और अंततः जदयू के आरसीपी को कैबिनेट मंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी और आरसीपी अज्ञातवास पर, यानी आरसीपी अब राजनीति के अज्ञातवास पर चले गए। दरअसल में जदयू के सीनियर लीडर आरसीपी सिंह की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश के आईएएस कैडर के सीनियर अधिकारी रहे आरसीपी ने 2002 में विधिवत आईएएस की नौकरी छोड़ जदयू ज्वाइन किया और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बने। आरसीपी ने पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया और जदयू में आरसीपी के इशारों के अलावा कोई भी बात किसी की नहीं सुनी जाती थी। कहा यह भी जाता है कि एक ज़माने में बगैर आरसीपी के इशारे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोई भी कदम नहीं उठाते थे, लेकिन जब ललन सिंह की एंट्री हुई पार्टी के भीतर, उसके बाद से आरसीपी का कद लगातार छोटा होता चला गया और हद तो तब हो गई जब 2019 में मोदी सरकार के कैबिनेट का विस्तार हो रहा था, तो उस समय नीतीश ललन सिंह को कैबिनेट भेजना चाह रहे थे, लेकिन आरसीपी ने बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने नाम का प्रस्ताव नरेंद्र मोदी के समीप भेज दिया और केंद्र सरकार में इस्पात मंत्री बने। यहीं से नीतीश और आरसीपी की टकराहट शुरू हुई, जिसका पटाक्षेप इस राज्यसभा चुनाव में हुआ जब राज्यसभा चुनाव में आरसीपी को फिर से नीतीश कुमार ने राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया। बात यहीं तक नहीं रुकी, आरसीपी को ये बातें साल गई और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आखिर नीतीश के हनुमान का क्या हाल है, तो उन्होंने यह कहा कि वह किसी के हनुमान नहीं है और अगर किसी राजनीतिक आका के कहने पर आप लोग ये सवाल पूछ रहे हैं तो अपने राजनीतिक आकाओं को जाकर यह कह दीजिए कि आरसीपी अब किसी का हनुमान नहीं रहा बल्कि रामचंद्र हो गया है। लेकिन आरसीपी को यह नहीं पता था कि अगर वो रामचंद्र हो गए हैं तो फिर उन्हें नीतीश कुमार अज्ञातवास पर भी भेजेंगे और अंततया वही हुआ 7 जुलाई को, यानी कि आज जब आरसीपी के राज्यसभा का टेन्योर खत्म हो रहा है, तो आज से ठीक एक दिन पहले यानी कि 6 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरसीपी से उनका इस्तीफा ले लिया और आरसीपी राजनीतिक रूप से अज्ञातवास पर चले गए। हालांकि आरसीपी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले हैं, इतनी जल्दी टूटने वाले नहीं हैं, लिहाजा इंतजार कीजिए आरसीपी के अगले कदम का, जो अगला कदम बिहार की सियासत में आने वाले दिनों में एक भूचाल पैदा करेगा और जदयू और बीजेपी के बीच जो दोस्ती की एक नई इबारत लिखी गई थी, हो सकता है उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी बनाने का काम करेगा। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ SK राजीव, समाचार प्लस।